सख्ती के बावजूद जारी है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। कानपुर में कालाबाजारी करते चार लोग गिरफ्तार, 35 से 40 हजार में दे रहे थे इंजेक्शन। बांदा में नहीं दिखा लॉकडाउन का असर, सब्जी मंडी में लगी भारी भीड़। बांदा जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में नाकाम। सुल्तानपुर में सीओ सिटी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों की 13 गाड़ियों का चालान काटा गया। एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरेली में पुलिस ने दिया आरती को कंधा, महिला ने 112 पर फोन करके पुलिस से मांगी थी मदद। प्रेमनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम किया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बीडीए कॉलोनी का मामला। 45 प्लस वाले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगा टीका। पहली डोज लगवाने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। 10 मई से सभी को टीकाकरण से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए। यूपी में कोरोना के 26,780 नए केस सामने आए, जबकि 28,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 353 लोगों की जान गई। अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की कालाबाजारी देखने को मिली। प्लांट के मालिक ने थाना जवा में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। बहराइच में हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट हारे का सहारा। अन्न रथ देवतूत बनकर घर घर कोरोना संक्रमितों को पौष्टिक खाना निःशुल्क पहुंचाने का काम कर रहा है। 24 घंटों में भारत में 4,14,188 नए कोरोना मामले सामने आए। 3,915 मरीजों की हुई मौत, वहीं 3,31,507 लोगों ने कोरोना को हराया। ग्रेटर नोएडा में दूध सब्जी की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला। सुबह 11 बजे तक खुलेंगी दूध सब्जी और जरूरी सामान की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही खरीदारी के निर्देश। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी से अपील की। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। जिला अस्पताल में बेड ऑक्सीजन और स्ट्रेचर के लिए मचा हाहाकार। फतेहपुर में चौक के व्यापारियों ने लॉकडाउन को बनाया मजाक। कोविड नियमों का उल्लंघन कर दुकानों के अंदर ग्राहकों को एकत्र कर बरती लापरवाही। मीडिया का कैमरा देख शटर किए बंद। यूपी में लॉकडाउन का आज सातवां दिन। जरूरी सेवाओं पर जारी रहेगी छूट। अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई। 10 मई तक इसी तरह प्रदेश में जारी रहेगा लॉकडाउन। लखनऊ में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में कोरोना से अब तक सर्वाधिक मौत। 65 मरीजों ने 24 घंटे में गंवाई जान। एक्टिव मामलों में लेकिन देखी गई कमी। 24 घंटे में लखनऊ में 2000 के नीचे केस। वाराणसी में कोरोना को लेकर लोग कर रहे हैं जानलेवा लापरवाही। पंचकोसी सब्जी मंडी में खचाखच भीड़ देखने को मिली। न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क पहन रहे लोग। कोरोना कर्फ्यू के बीच भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस नदारद। भदोही में डीएम और सीएमओ ने L2 कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। पीपीई किट पहन कर किया औचक निरीक्षण। कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत कर जाना हाल। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज के वायरल हो रहे वीडियो पर डीएम ने बिठाई जांच। कोरोना से हुई थी एक शख्स की मौत। परिजनों ने बॉडी को देखकर हॉस्पिटल में काटा था हंगामा। कोरोना की आड़ में अंग तस्करी का हॉस्पिटल पर लगाया था आरोप। मेरठ में ऑक्सीजन को लेकर लगातार हालात खराब। क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए ऑक्सीजन की आवश्यकता में सीएम योगी को ट्वीट कर मदद मांगी। हरक सिंह रावत का बयान, कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए वन विभाग निगम को देगा मुफ्त लकड़ी। उत्तराखंड में भी अलग स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होता है। आयुष के छात्रों को कोरोना के लिए तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना महामारी में VIP कल्चर हावी, प्रदेश का हाल बेहाल। गरीब और आमजन ऑक्सीजन और ICU बेड के लिए दर दर भटके।
बड़कोट सीएचसी में 4 बेड का आईसीयू और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पंचकर्मा सेंटर में ऑक्सीजन युक्त 8 बेड की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल के लिए रेफर होने वालों को भी मिलेगी सुविधा। वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई। निजी संस्थान के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान के जरिए लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से कुछ हद तक राहत मिलेगी। इस सेवा के जरिए अस्पताल परिसर में बेड के लिए इंतजार कर रहे मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाएगा। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल परिसर में पीपीई किट को खुले में फेंका जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीपीई किट इस्तेमाल की जा चुकी है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि इनसे संक्रमण फैल सकता है। वहीं मरीज के परिवार वालों का ये भी आरोप है कि वार्ड बॉय के भरोसे कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। एटा के सांसद ने कहा कि वो अपनी सांसद निधि से एटा और कासगंज में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। एक प्लांट एटा के बागवाला में लगेगा और दूसरा प्लांट कासगंज जिले में लगेगा। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। डीएम का कहना है कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। आगरा में ऑक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए 2 प्लांट काम कर रहे हैं। बाराबंकी के सारंग ऑक्सीजन गैस प्लांट सहित मेयो हिंद हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में एसपी की मौजूदगी में फायर विभाग द्वारा ऑक्सीजन में होने वाली आगजनी की घटना को लेकर करवाया गया मॉक ड्रिल। बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए गाजीपुर पुलिस लाइन में 12 बेड का L2 अस्पताल बनाया जाएगा ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को कोविड की शिकायत होने पर उन्हें तुरंत सही इलाज मिल सकेगा। इस अस्पताल ऑक्सीजन और अन्य कोविड संबंधित इक्विपमेंट से लेस होगा। दरअसल जिले के सभी पुलिसकर्मियों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसको देखते हुए विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सिद्धार्थनगर के सांसद बृजलाल ने सांसद निधि से ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 1 करोड़ की धनराशि दी है। सांसद निधि से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए प्लांट लगाया जाएगा। कानपुर में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को शहर में एक दिन में अब तक सर्वाधिक 67 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इन मौतों के बाद डीएम आलोक तिवारी ने शहर के कई निजी कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। कानपुर अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक समस्याओं को लेकर कमिश्नर असीम अरुण ने बैठक की। गोविंद नगर थाने में बैठक कर कमिश्नर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर में कालाबाजारी पर रोकथाम के लिए कार्रवाई की बात कही। कुशीनगर से बदहाल स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें सामने आई है। संयुक्त जिला चिकित्सालय में जमीन पर ही दर्जनों मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दावे फेल नजर आ रही है। हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधा की हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस में इलाज के लिए तड़प रहे मरीज। अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा बेड। एम्बुलेंस से मरीज को ले जाने के लिए ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर के उपयोग का है आरोप। परिजनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। नोएडा में मिशन संजीवनी प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके तहत होम आइसोलेशन वाले मरीजों को होम डिलीवरी के जरिए दवाई और किट पहुंचाई जाएगी। इसके लिए डीएम ने जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय को दवाइयों की किट के साथ रवाना किया। बिजनौर में स्वास्थ्य सेवा का काफी बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बीमार महिला ई रिक्शा पर लेटी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी और निजी अस्पताल में महिला को एडमिट नहीं किया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने ई रिक्शा में ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू कर दिया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बिजनौर में 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डोर टू डोर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाना है। मगर निगरानी समिति की तरफ से जागरूकता के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। निगरानी समिति के सदस्यों के पास न तो पल्स ऑक्सीमीटर है, न ही थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा है। श्रावस्ती में लॉकडाउन में छूट होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखने लगी। ये हालात तब दिखे जब बाजारों में चुनिंदा दुकानों के खोलने के आदेश जारी हुए हैं। दुकानों के खुलते ही बाजार में लोग भारी संख्या में निकलने लगे, जिससे कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। लखनऊ में इसी महीने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने की तैयारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव भी कराने की तैयारी।
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 20 से 27 मई के बीच कराने का प्रस्ताव। बाराबंकी में पंचायत चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने जताया गुस्सा। ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान लगवाई गई सड़क को जेसीबी लगाकर उखड़वा दिया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। हाथरस के गांव बरसमई में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। श्रावस्ती में नशेड़ी पति ने 10 रुपए के लिए दी पत्नी को बेरहमी से सजा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पति ने पत्नी की बुरी तरह से की पिटाई। श्रावस्ती में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। मेरठ में लॉकडाउन के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। पुरानी रंजिश के चलते हुआ दो पक्षों में झगड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज में प्रधानी के चुनाव में वोट न देना पड़ा महंगा। पूर्व प्रधान ने दबंगों के साथ मिलकर प्रत्याशी समर्थक के घर पर लाठी डंडे से किया हमला, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। मुरादाबाद नाबालिग लड़की की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग लड़का एक लड़की पिटाई करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि लड़का लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, लड़की ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। कन्नौज पंचायत चुनाव के बाद बवाल, हारे प्रत्याशी ने किया पथराव और फायरिंग। नवनिर्वाचित प्रत्याशी के घर भोला हमला, बवाल में दोनों पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल। ठटिया थाना क्षेत्र के गुरौली गांव की घटना। कुशीनगर में पुलिस ने 3 लोगों को सोने के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 619 ग्राम सोना बरामद किया है। इन सोने की कीमत करीब 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है बीते कुछ दिन पहले कस्यानगर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। चोर दुकान से 60 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए थे। अमरोहा में आई आंधी और बारिश से आम की फसल हुई बर्बाद। बाग स्वामी अंसार अली का कहना है कि इस बार तेज हवाओं के साथ आंधी से लाखों रुपए का आम गिरकर बेकार हो गया। हाथरस में बैटरी बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ फैक्ट्री की दीवार उड़ी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आग लगने के कारण का नहीं चल सका पता। अमरोहा में अज्ञात कारणों से फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से फर्नीचर के गोदाम में हुआ लाखों का नुकसान। अमरोहा के थाना नौगावा क्षेत्र के बिलना कला का मामला। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने थाने का घेराव कर किया हंगामा। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत किया। हापुड़ में अस्पताल का बिल नहीं भरने तक युवक के शव को बंधक बनाने का आरोप। डीएम एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद 35,000 रुपए लेकर सौंपा युवक का शव। लखनऊ में 3 चोरों ने 2 अलग अलग फ्लैट में ताले तोड़कर लाखों का माल किया पार। दोनों फ्लैट से लगभग 50 लाख से ज्यादा की चोरी की। गोरखपुर के थाना जंगहा क्षेत्र की चौकी नई बाजार में आगजनी, तोड़फोड़ करने वाले 18 उपद्रवी गिरफ्तार। लखनऊ के जानकीपुरम में भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद, मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान 600 पेटी शराब और 2 लग्जरी गाड़ी बरामद। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने शाहबुद्दीन की मौत को साजिश के तहत हत्या करार दिया। आजम खान की जिंदगी को खतरे में बताया और कहा शाहबुद्दीन की तर्ज पर कोई बड़ी साजिश आजम खान के खिलाफ भी रची जा सकती है। बड़कोट के जांदड़ू और खिरमू क्षेत्र में बादल फटने से हुआ काफी नुकसान, गाँव का स्कूल भी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी में बारिश से हाल बेहाल, कई जगह घरों में घुसा पानी। कुमराड़ा गांव में आसमान से बरसी आफत, यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने लिया जायजा। डीएम के साथ गांव का दौरा कर जाना हाल।
उत्तराखंड में 3 लाख कोविड-19 वैक्सीन मिलने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर जुटी लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, उत्तराखंड से रिलीफ हुए यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। हरिद्वार कुंभ में लगी थी सभी की ड्यूटी। यूपी के डीजी हेल्थ ने 2 मई को लिखी थी चिट्ठी, एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। कोरोना ने तोड़े उत्तराखंड में पिछले सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे के भीतर सामने आए कोरोना के 8,517 मामले। कोरोना से हुई 151 और मौतें। कोरोना को लेकर लगातार सरकार उठा रही है कदम। रमजान महीने का अलविदा जुम्मा आज। जुम्मे पर उलेमाओं ने घर पर रहकर इबादत करने की अपील की। कोविड संक्रमण के चलते घरों पर रहकर नमाज पढ़ने की गई अपील। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद नोएडा के अस्पताल में चल रहा था इलाज। 70 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती का ट्वीट, कहा चुनावी हिंसा की घटनाओं का बढ़ना चिंताजनक है, राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेकर तत्काल कदम उठाए। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा खत, ऑक्सीजन और दवा की कमी को दूर करने की उठाई मांग। लिखा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रोजाना कोरोना से हो रही है 4 से 5 लोगों की मौत। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। स्टालिन गृह के अलावा सार्वजनिक और सामान्य प्रशासन समेत अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य विभाग संभालेंगे। बीजेपी के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने मुख्य सचिव को लिखा खत, पंचायत चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों पर कार्रवाई न करने की मांग। पंचायत चुनाव में काफी कर्मचारी रहे थे गैर हाजिर। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 23 शहरों के लिए 28 ट्रेनें 9 मई से रद्द। इनमें 8 शताब्दी, 2 जन शताब्दी, 2 दुरंतो, 2 राजधानी और 1 वंदे भारत शामिल। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। केजरीवाल सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटीन फैसिलिटी चिन्हित की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन करने वाली हैं शादी। ऑर्डन अपने बॉयफ्रेंड टेलीविजन होस्ट क्लर्क ग्रेफर्ड से शादी रचाएंगी। जेसिंडा ऑर्डन की 2 साल की बेटी भी है। आइसलैंड में 800 साल बाद फटा ज्वालामुखी। 1.5 महीने से लगातार उगल रहा लावा 32 किलोमीटर दूर से भी दिखा। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नया गठबंधन ले रहा आकार। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया चीन की चुनौती से निपटने के लिए हुए एकजुट। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 256 अंकों की तेजी के साथ 49,206 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 98 पॉइंट्स के उछाल के साथ 14,823 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। लॉकडाउन के बीच शादियों के सीजन में सोने चांदी के भाव में तेजी। 583 रुपए तक उछला सोना। वहीं 1,773 रुपए की छलांग लगाकर 71,000 रुपए के पार चली गई चांदी। शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड 47,575 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर खुला। वहीं चांदी 71,073 रुपए के भाव पर पहुंची। 2 दिन में सोना 822 रुपए और चांदी 3,273 रुपए महंगी। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम। 4 दिन में डीजल 1 रुपए महंगा। दिल्ली में पेट्रोल जहां 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 31 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। एबी डिविलियर्स की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो सकती है वापसी। दक्षिण अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर के बाद क्रिकेट डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ ने डिविलियर्स की वापसी के संकेत दिए। भारतीय महिला क्रिकेट वेदा कृष्णमूर्ति की बहन वत्सला शिवकुमार का कोरोना से निधन। 2 हफ्ते पहले हुई थी मां की मौत।
न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों की बड़ी मुश्किल, नहीं जा सकते हैं घर। केन विलियमसन सहित ब्रिटेन जाने वाले सभी खिलाड़ियों को 10 मई तक भारत में ही रहना होगा।